हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टार मेकिंग हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रंपा जागती है, उसे स्क्रिप्ट के साथ युता का मैसेज मिलता है। स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है। वो मैसेज पढ़कर रंपा स्माइल करती है। युता ने रंपा के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट कर रखी होती है आज पहनने के लिए। रंपा युता से और भी इम्प्रेस हो जाती है। तभी रंपा को साइमन का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग हनी। रंपा को वो मैसेज पढ़कर बहुत गुस्सा आता है, फिर ड्रेस की तरफ देखकर स्माइल करती है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के बाहर साइमन के फैंस उसे मिलने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, पर गार्ड्स उन्हें नहीं जाने देता। दावा आकर बोलती है, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, अगर आप लोग अपने गिफ्ट साइमन को देना चाहते हैं तो आप मुझे दे दे, मैं साइमन तक पहुंचा दूंगी। सभी दा को अपने गिफ्ट्स दे देते हैं। तभी रंपा उसे आकर धक्का मार देती है और बोलती है, मैंने जान कर नहीं किया। दा बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? रंपा बोलती है, दिखता तो है पर मुझे तुम दिखाई नहीं दी। रंपा उसे सुनाकर चली जाती है। दा सबके सामने एम्बैरेस हो जाती है और गिफ्ट उठाकर अंदर जाती है। साइमन रंपा के केबिन में हर जगह रोज़ेस के फूल रख देता है। युता वहां आकर बोलता है, ये सब क्या है? साइमन बताता है, रंपा के लिए रोज़ेस हैं। युता बोलता है, जिस इंसान में तुम इंटरेस्ट ले रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए उसे पसंद क्या है। युता बताता है, रंपा को रेड ट्यूलिप पसंद है, तुम्हारे रोज़ेस नहीं। रंपा भी वहां जाती है। साइमन उसे रेड रोज़ेस देता है। रंपा एक्सेप्ट कर लेती है। युता ये देखकर शॉक हो जाता है। साइमन उसे चिढ़ाता है और उसे सुनाता है, तुम्हें अपनी इन्फो अपडेट करने की जरूरत है। रंपा पूछती है, क्या हुआ? साइमन बताता है, तुम्हारा सेक्रेटरी बोल रहा था तुम्हें रोज़ेस पसंद नहीं। रंपा बताती है, मुझे सभी तरीके के फूल पसंद है और हर लड़की को पसंद होते हैं। ये सुनकर युता को गुस्सा आता है। दा वहाँ गिफ्ट लेकर आती है और साइमन को देखकर हंसने लग जाती है। साइमन पूछता है, क्या हुआ? दा बोलती है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लाऊं? साइमन उसे बता देता है। साइमन दा को बोलता है, रंपा से भी पूछ लो अगर वो कुछ स्पेशल खाना चाहती है। रंपा दा को बोलती है, जाकर पहले पेपर पेन लाओ। दा बोलती है, उसकी जरूरत नहीं, मैं स्मार्ट लड़की हूँ, मुझे सब याद रहता है। रंपा बता देती है। रंपा लंबी चौड़ी लिस्ट बता देती है। दा को कुछ समझ नहीं आता। रंपा बोलती है, अगर जो मैंने बोला तुम नहीं लाई तो मैं सब फेंक दूंगी। दा बोलती है, मुझे सब याद है, पर एक्चुअली में दा को कुछ याद नहीं होता। युता फेस बनाकर खड़ा होता है। साइमन बोलता है, ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? साइमन रंपा के साथ बात करते हुए केबिन से बाहर आ जाता है। युता भी उनके पीछे आ जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। साइमन रंपा से पूछता है, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए खाने के लिए। रंपा हाँ बोलने ही वाली होती है। तभी शाम से रंपा को किसी काम से बुला लेती है। रंपा युता को बोलती है साइमन की खातिरदारी करने को। युता साइमन की खूब खातिरदारी करता है। साइमन युता से पूछता है, तुम सच में गे हो? युता पूछता है, क्यों पूछ रहे हो? साइमन बोलता है, मुझे लगता है तुम मुझे सीक्रेटली पसंद करते हो और मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते। युता बोलता है, हाँ मैं गे हूँ, और गे बनने की एक्टिंग करने लग जाता है। साइमन बोलता है, तुम मुझे स्टूपिड समझते हो? युता बोलता है, झूठ सुनना चाहते हो तो नहीं? साइमन बोलता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम रंपा के सेक्रेटरी हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करोगे, मैं साइमन हूँ सुपरस्टार। तभी युता को कॉल आ जाता है। युता साइमन को बोलता है, आज तुम मेरे हाथ से बच गए मिस्टर सुपरस्टार। युता ये कहकर चला जाता है। साइमन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। शाम से युता को बताती है, रंपा को स्टाइलिश के कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे, इसी तरह चलता रहा तो वो स्टाइलिश को निकाल देगी और एंड टाइम पे हम कहाँ से लाएंगे। तुम रंपा को जाकर समझाओ, वो सारे कपड़े अच्छे हैं, वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। युता रंपा के पास आकर समझाता है और रंपा मान भी जाती है। स्टाइलिश युता को किस कर थैंक यू बोलता है उसकी जॉब बचाने के लिए। साइमन एक्शन सीन की प्रैक्टिस करते हुए रंपा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। युता को दोनों को क्लोज देकर गुस्सा आ रहा होता है। दा भी खाना लेकर वहाँ आती है और उन्हें साथ देखकर खाना नीचे गिरा देती है। दा बोलती है, मैं दोबारा लेकर आती हूँ। साइमन बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खा चुका हूँ। साइमन रंपा को हग कर बोलता है, मेरी जैकेट टाइट है, मैं अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा, तो एक्शन सीन कैसे शूट करूंगा? युता उसका पूरा हाथ ही मूव कर देता है। साइमन को गुस्सा आता है और उसे बोलता है, ये तुमने जानकर किया है ना? युता बोलता है, मैं तो बस तुम्हारी जैकेट तुम्हें फिट कर रहा था। साइमन रंपा को बोलता है, तुम्हारा सेक्रेटरी ठीक नहीं है। रंपा बोलती है, इसे बुरा लगा होगा क्योंकि ये गे है और ये जैकेट इसने तुम्हारे लिए चूज की थी। साइमन बोलता है, फिर तो ये जैकेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मैं कोई सीन भी शूट नहीं करूंगा। ये कहकर साइमन वहां से चला जाता है। डायरेक्टर उसके पीछे पीछे जाता है। युता रंपा को अपनी सफाई देता है, वो तुम्हें टच कर रहा था इसलिए मैंने ये किया। रंपा बोलती है, मैं जानती हूँ। युता बोलता है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? रंपा बोलती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए जाकर तुम अपना काम करो। साइमन वापस शूट के लिए आ जाता है और रंपा से पूछता है, ये मेरा नया आउटफिट कैसा लग रहा है? रंपा बताती है, बहुत अच्छा लग रहा है और अगर थक गए हो तो मेरे शोल्डर पर अपना सर भी रख सकते हो। युता ये सब सुनकर और देखकर हैरान हो जाता है।
साइमन फिल्म के पोस्टर के लिए फोटोशूट करा रहा होता है। युता फोन में न्यूज देखता है। रंपा के एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप की खबरें आई होती है। साइमन की फोटोशूट की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। रंपा ये देखकर तुरंत उसका फोन फेंक देती है और उसे बोलती है, तुम ही हो वो जो मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लीक कर रही हो। दा बताती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दा बताती है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ साइमन के फैंस के लिए कर रही थी, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की। रंपा सभी को फोन करती है, शूट के समय कोई भी फोन नहीं चलाएगा, अगर कोई पकड़ा गया तो वो गया काम से। युता भी डर की मारे अपना फोन वापस रख लेता है। रंपा साइमन को अपनी कंपनी के मूवी प्रीमियर की 2 टिकट्स देती है। साइमन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? युता बोलता है, नहीं रंपा नहीं बैठेगी, अलीदा बैठेगी, ताकि तुम साथ में बैठकर हमारी मूवी का प्रमोशन कर सको। साइमन युता को उल्टा सीधा बोल रहा होता है। युता उसकी नकल उतारने लग जाता है। रंपा ये सब देख लेती है। रंपा घर आकर युता को बोलती है, मैं सिर्फ साइमन के साथ खेल रही हूँ ताकि उससे अपना काम निकलवा सकूं। युता बोलता है, पर ये कोई सही तरीका नहीं। रंपा न्यूज देखती है, उसके टोनाटा नाम के एक्टर के साथ रिलेशनशिप की फोटोज वायरल हो जाती है। रंपा युता को वो न्यूज दिखाती है। युता बताता है, मैं पहले देख चुका हूँ। रंपा पूछती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? युता बताता है, क्योंकि तुम उस साइमन के साथ खेलने में बिजी थी। रंपा को गुस्सा आता है और युता को अपने घर से निकाल देती है। तान से रंपा को कॉल कर टीवी ऑन कर न्यूज देखने को कहती है। टोनाटो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देता है। टोनाटो रंपा की फादर की कंपनी में जब प्रोजेक्ट कर रहा था तो रंपा उसे सीक्रेटली डेट कर रही थी। रिपोर्टर टोनाटो से पूछते हैं, लेकिन अचानक से तुम दोनों के रिलेशनशिप की फोटो लीक कैसे हो गई? टोनाटो बताता है, रंपा ने खुद की हो गई, पब्लिसिटी पाने के लिए। उसकी कंपनी की एक नई मूवी प्रीमियर होने वाली है, ये सब उसने उसी के लिए किया होगा, ये सब फ्रैंक ने किया होता है। टोनाटो ने फ्रैंक को सारी फोटोज दी होती है, बदले में फ्रैंक ने उसे पैसे दिए होते हैं ये सब करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग रंपा देखती है, तभी उसके लिए सोशल मीडिया पर बैड कमेंट्स लिख रहे हैं। रंपा को गुस्सा आ रहा होता है, तभी उसकी डोर की बेल रिंग होती है। रंपा को लगता है युता होगा, इसलिए डांट तो है डोर ओपन करती है, लेकिन उसे वहाँ सरप्राइज गिफ्ट मिलता है जो रंपा को अच्छा लगता है। युता रंपा को गुड मॉर्निंग विश करता है। रंपा पूछती है, तुमने अपना फेस कवर क्यों किया है? युता बताता है, मुझे तुमसे डर लगता है। रंपा स्माइल करती है और उसे बैलून ले लेती है। युता रंपा को रिपोर्टर से बचाकर ले जा रहा होता है। रिपोर्टर्स उन्हें देख लेते हैं, दोनों भागने लगते हैं। रंपा हिल की वजह से भाग नहीं पा रही होती। युता उसे शूज देता है। युता पहले से ही रंपा के लिए सब तैयारी कर आया होता है। दोनों रिपोर्टर्स को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। रंपा कार में बैठकर चॉकलेट खा रही होती है जो युता उसके लिए लाया होता है। रंपा युता को बोलते है, अगली बार से सिर्फ मेरे लिए चॉकलेट लाना, बैलून नहीं, ये जगह घेरते हैं। इसके बाद रंपा मूवी प्रीमियर के इवेंट के लिए ड्रेस पहनकर आती है और युता को उसकी जिप बंद करने को कहती है। युता को अजीब लगता है पर कर देता है। युता रंपा को समझाता है, रिपोर्टर के सामने स्माइल कर जवाब देना, गुस्सा मत करना नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। रंपा बोलती है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। रंपा मूवी प्रीमियर में आती है। साइमन रंपा को देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता। रंपा रिपोर्टर के सवालों का जवाब प्यार से देकर सब संभाल लेती है। युता खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक रिपोर्टर रंपा से पूछती है, आपके रूड बिहेवियर की वजह से चाय ने ये कंपनी पविता को मैनेज करने को दी है। रंपा को गुस्सा आ जाता है और रूडली बात करती है, पविता लो क्लास एक्ट्रेस है और ये कंपनी मेरी है, उसकी नहीं। युता ये सब देखकर पागल हो जाता है, फिर काम खराब कर दिया। रंपा के बिहेवियर की वजह से मूवी का फर्स्ट शो फ्लॉप हो जाता है। सांसिप रंपा को बताती है, फिरोज ने अपने थिएटर में से हमारी मूवी भी हटवा दी है। रंपा फिरोज को कॉल करती है। फिरोज बताता है, मुझे अपने थिएटर बंद नहीं कराने, मूवी की परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, और दूसरा मैंने तुम्हें जो साइमन के साथ नया प्रोजेक्ट दिया है उस पर भी अभी सोचना होगा। रंपा फिरोज से रिक्वेस्ट करती है। फिरोज बताता है, तुम्हारे पास 2 दिन है, जो करना है कर लो, पर मूवी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद कहकर कॉल काट देता है। रंपा को उसके फादर का मैसेज आता है, बात करने के लिए घर बुलाते हैं। रंपा अपने फादर से मिलने आती है। फादर रंपा को डांटते हैं, तुम्हारे स्टूपिड हरकतों की वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। पविता रंपा को देखकर हंस रही होती है। रंपा इरिटेट होकर उसे सुनाने लगती है। चाय रंपा का मुंह बंद कराने के लिए सामान फेंकता है और उसे बोलता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और चाय रंपा को वार्निंग देता है, अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करोगी। रंपा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। युता उसे पूछता है क्या हुआ। रंपा उसे कार की लेती है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए स्पीड में कार चलाती है। युता डर जाता है। युता रंपा को कार रोकने को कहता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कैरोको में लेके जाता है। रंपा और युता साथ में एंजॉय करते हैं।
रंपा ड्रंक होकर युद्धा पर वोमिट कर देती है। युद्धा रंपा को पिगी बैग देकर उसे उसके घर तक लाता है और बेड पर जिताता है। रंपा युद्धा को अपनी तरफ खींच लेती है और एक्सीडेंटली युद्धा रंपा को किस कर देता है और इस एक्सीडेंटली किस के बाद युद्धा दोबारा से रंपा को किस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युद्धा डरते हुए रंपा के घर की बेल रिंग बजाता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है रंपा को याद आ गया कि उसने उसे किस किया था तो उसका बुरा हाल कर देगी। रंपा डोर खोलती है पर उसे कुछ याद नहीं होता। दोनों वहाँ से ऑफिस जा रहे होते हैं। रंपा को साइमन का कॉल आता है। साइमन रंपा को फिरोज के थिएटर में मिलने के लिए बुलाता है। रंपा मना कर देती है। साइमन बोलता है तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मूवी में काम नहीं करूंगा। रंपा युद्धा के साथ फिरोज के थिएटर में आ जाती है। रंपा देखती है उसकी मूवी देखने के लिए थिएटर खचाखच बड़ा हुआ है। साइमन बोलता है ये सब मैंने किया है। रंपा पूछती कैसे। साइमन बताता है मैं सुपरस्टार हूँ, भूल गई क्या तुम। युद्धा साइमन को वीडियो क्लिप दिखाता है। साइमन ने अपने फैंस के लिए कॉम्पिटिशन निकाला होता है। जो भी फैन इस मूवी की सबसे ज्यादा टिकट खरीद के अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगा उस फैन को साइमन के साथ मूवी देखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रंपा पूछती है ये तुमने क्यों किया। साइमन बताता है तुम्हारे लिए और ये ज्यादा नहीं है, मैंने बस अपनी चार्म का यूज किया है। रंपा पूछती है बदले में क्या चाहते हो। साइमन बताता है कुछ नहीं बस तुम्हारे फेस पर स्माइल। साइमन की हरकतें देखकर रंपा उसे इम्प्रेस हो रही होती है। युद्धा फेस बनाता है। रंपा के फादर भी ये न्यूज देख लेते हैं। उनकी कंपनी की मूवी हिट हो गई है। इस मूवी की ऑलमोस्ट सारे टिकट्स खरीद लेती है ताकि साइमन के साथ मूवी देखने का कंपटीशन जीत सके। पविता की आने की आवाज़ सुनकर दा मूवी टिकट्स छुपा देती है। पविता दा को बोलती है पता नहीं किन पागल लड़कियों ने उस रंपा की मूवी की टिकट्स खरीदी हैं और उसे हिट कर दिया। दा नहीं बताती कि उसने टिकट्स खरीदी है। उसे पता है बताने पर उसकी मदर उसे छोड़ेगी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।